है रोहित का फ्यूचर प्लान, एमआई के कोच ने कर दिया ऐलान, हिटमैन को समझाना है नामुमकिन। जी हाँ, आईपीएल सीजन 17 में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो चुका है। अपने तमाम 14 लीग मैचेस में मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 मैचों में जीत दर्ज कर पाई। अपने आखिरी मैच में, जो कि मुंबई इंडियंस ने अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में खेला, जब मैच में मुंबई को हार मिली, मैच का नतीजा आ गया, उसके बाद रोहित शर्मा को खास तौर से स्टेडियम में मौजूद हजारों मुंबई इंडियंस के फैंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और ऐसा लगा कि शायद मुंबई इंडियंस के फैंस ने भी अपने सबसे चहेते क्रिकेटर, सबसे चहेते कप्तान रोहित शर्मा को उनका फेयरवेल एग्जिट दे दिया है। लेकिन क्या वाकई में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं? जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ अगले आईपीएल सीजन 18 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इस सवाल का जवाब दिया है अब खुद मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने। तो क्या कहा है मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के फ्यूचर को लेकर, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलबाजियों का दौर तेज है। इस बीच मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर का रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर एक अहम बयान आया है, जिससे ये गुत्थी अब और उलझती हुई नजर आ रही है कि रोहित शर्मा अगले सीजन तक मुंबई इंडियंस में रुकेंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने भी रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के साथ बने रहने के लिए कहा है। हालांकि ये रिपोर्ट्स अब तक पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा पहले ही मन बना चुके हैं कि अगले सीजन होने वाली आईपीएल के ऑक्शन में वो अपना नाम जरूर डालेंगे। इसी बीच मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर की तरफ से रोहित शर्मा के भविष्य पर अहम बयान आया है। मार्क बाउचर ने कहा है कि रोहित शर्मा अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं। इतना ही नहीं, मार्क बाउचर ने तो ये भी कह दिया है कि आईपीएल की अगली मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई के सबसे सफल कप्तान की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में उन्हें अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो रोहित के भविष्य को लेकर ज्यादा बात नहीं हुई है। मैंने कल रात और उससे पहले भी उनसे बात की थी, यह बात इस सीजन के रिव्यू को लेकर थी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि रोहित आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप, यही परफेक्ट है। मैं उनके भविष्य को लेकर इतना ही जानना चाहता था। मेरे हिसाब से वो अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं। अगले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन है, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। बताने की जरूरत नहीं कि आईपीएल सीजन 17 से पहले जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई, तभी से रोहित शर्मा काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जब आईपीएल के सीजन के दौरान हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान मैदान पर रोहित शर्मा के साथ तरह तरह के व्यवहार किए, उससे भी रोहित शर्मा का जो मैदान पर दिखाया गया रवैया था, जो जेस्चर्स थे, वो उनकी नाराजगी को साफ दिखा रहे थे। अब ऐसी भी चर्चाएं हैं कि रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस के साथ में नहीं रहना चाहते और हार्दिक पांड्या के बतौर कप्तान जो तेवर थे वो भी उन्हें टीम में पसंद नहीं आए। देखना होगा कि भविष्य में रोहित शर्मा अपने फ्यूचर को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जरूर रोहित को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित के आईपीएल सीजन 17 के प्रदर्शन को देखा जाए, तो ये सीजन यकीनन कहीं ना कहीं रोहित के लिए बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। रोहित शर्मा ने आईपीएल के खेले 14 मुकाबलों में एक शतक और एक हाफ सेंचुरी समेत कुल 417 रन बनाए। आईपीएल के सीजन में रोहित शर्मा की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाए शतक के बाद रोहित शर्मा की फॉर्म उनके हाथ से जाती दिखाई दी। हालांकि आखिरी मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जरूर 68 रन बनाए, जो कि आगामी T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए अच्छी खबर है। लेकिन मुंबई इंडियंस के फैंस अभी भी इस सस्पेंस में जरूर बने रहेंगे कि रोहित शर्मा अगले आईपीएल सीजन वाकई में एक बार फिर मुंबई की जर्सी पहनेंगे।